गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हरियाणा के मोनू मानेसर से अब हरियाणा की पुलिस पूछताछ करने वाली है। अब से कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर का एक वीडियो कॉल वायरल हुआ था। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हरियाणा की पुलिस अब बहुत जल्दी रिमांड पर लेने वाली है। पूरी खबर आपको बताएं तो राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस की कैद में रहने के दौरान हरियाणा का तथाकथित गौरक्षक मोनू मानेसर और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दोनों के बीच एक बातचीत का वीडियो कॉल वायरल हुआ था, जिस मामले में अब गुरुग्राम की पुलिस पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। दोनों के बीच वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत का वीडियो दरअसल 16 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जेल से जो वीडियो कॉल वायरल हुई थी, उसी वीडियो में दूसरी तरफ दिखने वाला व्यक्ति मोनू मानेसर था। इस वीडियो कॉल में एक और गैंगस्टर राजू बसौती भी दिखाई दे रहा है, जो लॉरेंस के साथ बैठा हुआ था। वीडियो में मोनू कार में बैठा हुआ था और दोनों तरफ से काफ़ी हंस हंस कर बात हो रही थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि यह वीडियो कब का है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई काफी लंबे समय से जेल में बंद है। वहीं राजू बसौती को पुलिस 2020 में थाईलैंड से पकड़ कर लाई थी। इस दौरान मोनू मानेसर के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वॉन्टेड और भारत सरकार से फरार होकर अमेरिका में छिपे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से भी सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत होने की बात सामने आई थी। पटौदी कोर्ट से 4 दिनों के रिमांड के दौरान गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉल पर हुई उसकी बातचीत को लेकर पूछताछ कर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा क्राइम सिंडिकेट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के गैंगों के साथ हाथ मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। कई देशों में भी लॉरेंस बिश्नोई के बदमाश बैठे हुए हैं, जिसमें कनाडा और भारत से वॉन्टेड गोल्डी बराड का भी नाम सबसे अहम है। NIA ने UPA में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि हरियाणा समेत कई राज्यों की पुलिस ने हाल फिलहाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसा हुआ है। 2 महीने पहले ही कई जगहों पर एक साथ NIA ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। हरियाणा के नूह के हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में हरियाणा पुलिस 11 सितंबर को मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर उसे नूह के कोर्ट में पेश किया था। इसी दिन नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ उसे राजस्थान लेकर गई थी। पहले उसे भरतपुर जेल और फिर अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान 16 सितंबर को हरियाणा के पटौदी पुलिस ने कोर्ट से मोनू का रिमांड मांगा, लेकिन भरतपुर जेल से अजमेर जेल में शिफ्ट होने की वजह से 25 सितंबर को पटौदी कोर्ट में उसकी पेशी नहीं हो पाई थी। कोर्ट में 7 अक्टूबर को प्रोडक्शन रिमांड पर लाने की जो तारीख है वो तय की गई थी। फिलहाल अब लॉरेंस बिश्नोई और मोनू मानेसर के मामले में अब पुलिस बहुत जल्दी कुछ नया खुलासा करने वाली है।